अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, अभिक्रियाओं के प्रकार। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे योगात्मक अभिक्रिया या संयोगमन अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन, संयोजन या योगशील अभिक्रिया भी कहते हैं। तो संयोगमन या योगशील योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है? वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक क्रिया करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, एक क्रियाफल बनाते हैं, संयुग्मन या योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। तो इसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर केवल एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, केवल एक ही क्रियाफल बनाते हैं, ऐसे अभिक्रिया को हम कहेंगे योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया या संयुग्मन अभिक्रिया। तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी? वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक क्रियाकारक क्रिया करके एक क्रियाफल बनाते हैं या एक उत्पाद बनाते हैं, संयुग्मन या योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन कोयले का दहन, नंबर वन क्या है? कोयले का दहन या कार्बन का दहन? तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर केवल सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये रिएक्शन कैसे कहलाएगी? एडिशन रिएक्शन होगी, संयोजन अभिक्रिया होगी। ऐसा ही धातुओं का जलना, जैसे मैग्नीशियम फीते का दहन करें, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में दहन होता है तो क्या बनता है? मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनेगा, धातु ऑक्साइड बनेगा। तो ये भी क्या है? एडिशन रिएक्शन है। इसको बैलेंस कर लेंगे, इधर Mg1 है, इधर Mg1 है, इधर ऑक्सीजन के परमाणु दो हैं, इधर एक है, तो क्या करें? इसको दो से गुणा कर दें, तो Mg2 हो गए, ऑक्सीजन दो हो गए। अब लेकिन इधर Mg1 है तो इधर भी दो से गुणा कर देंगे। थर्ड एग्जांपल, अमोनिया पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया करवाते हैं, NH3 क्या होती है? अमोनिया। HCl क्या होती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो इन दोनों की क्रिया से क्या होगा? NH4Cl बनेगा। संयुग्मन या योगात्मक अभिक्रिया में सिंपल जोड़ होता है अभिकारकों का, इन दोनों का जोड़ दिया, C+O2, CO2, Mg+O2, MgO, NH3+HCl, NH, 3 तो H पहले ही है, एक ही हो जाएगा, NH4Cl। ये क्या है? अमोनियम क्लोराइड, इसको नौसादर भी कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड। और एग्जांपल ले लो, कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा चूना, इस पर क्रिया करवा दे जल की, ये क्या? कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बिना बुझा चूना भी कहते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड पर जल की क्रिया करवाने से क्या बनेगा? चूने का पानी बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एडिशन रिएक्शन। चूने का पानी या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और एग्जांपल लेना चाहो तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का चेन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं कार्बन कार्बन के बीच में, 8वें चैप्टर में पढ़ेंगे। इनका हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं, अपचयन करवाते हैं, इनके लक्ष्य रखी उपस्थिति में होता है
ये क्या होता है, एडिशन रिएक्शन होती है, योगात्मक अभिक्रिया होती है, यहाँ असंतृप्तता है, एक एच यहाँ जुड़ जाएगा, दूसरा एच यहाँ जुड़ जाएगा, CH2 CH3 हो जाएगा, ये क्या है एथेन एथीन, और ये क्या है एथेन, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए तीन, ट्रिपल बॉन्ड होता तो आइन। इसको वैसे समझना चाहें तो दोबारा बता देता हूं, सिंपल है, H2 को इस प्रकार लिख सकते हैं, तो ये एक डबल बॉन्ड यहां आएगा, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, दूसरा यहां, क्या बनेगा CH2 में छुट जाएगा, CH3 होगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड रह जाएगा और यहाँ CH3 होगा। एग्जाम्पल 6, कार्बन मोनोऑक्साइड पर क्लोरीन का योग, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मोनो का मतलब एक, डाई का मतलब दो, इनका जोड़ योग होकर क्या आएगा, सिंपल जोड़ होता है COCl2, इसको कहते हैं फॉस्जीन, पॉइजनस गैस है, जहरीली गैस, कार्बन नील क्लोराइड COCl2, कार्बोनिल क्लोराइड, सीओ समूह क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप होता है। तो यह है एडिशन अभिक्रिया, संयुग्मन अभिक्रिया, संयोजन या योगशील अभिक्रिया।